आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश के कारण सभी फसलों के उत्पादन में भारी गिरावट देखी जा रही है। वहीं अब महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बेमौसम बारिश के असर से फूलों के उत्पादन में भारी गिरावट आई है। इससे फूलों की दर प्रभावित हो रही है, जो कि पिछले महीने से दो गुने से अधिक हो गई है। चाहे स्थानीय बाजार में मांग से अधिक आपूर्ति हो या राज्य के प्रमुख बाजारों में इसने कीमतों में वृद्धि की है, लेकिन उत्पादन में गिरावट के कारण किसानों को वांछित सीमा तक लाभ नहीं हुआ है। वहीं व्यापारियों का कहना है कि इस समय शादी का सीजन है, जिसकी वजह से फूलों की मांग बढ़ रही है। बाजारों में गेंदा, गुलदाउदी जैसे अन्य सभी फूलों की कमी हो रही है। फूलों के दाम पिछले महीने की तुलना में दोगुने हो गए हैं। वहीं जरबेरा के दाम पिछले महीने की तुलना में दोगुने हुए हैं। इसके अलावा शादियों का सीजन चल रहा है, नतीजतन मांग में वृद्धि भी जारी है, जिसके चलते व्यापारी एक और महीने के लिए उच्च दरों की भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। पहले जरबेरा एक फूल की कीमत 5 रुपये हुआ करती थी, लेकिन एक फूल की कीमत सीधे अब 10 रुपये हो गई है। इसलिए मांग बढ़ने से सभी फूलों के दाम प्रभावित हुए हैं। महाराष्ट्र में 15 दिन पहले हुई बेमौसम बारिश से जिस तरह सभी फसलों पर प्रभाव पड़ा है, उसी तरह बेमौसम बारिश का असर फूलों के बागों पर भी बड़े पैमाने पर पड़ा था। बदलते जलवायु परिवर्तन के कारण फूलों पर करपा रोग और बढ़ने से फूलों की कटाई करना भी मुश्किल हो गया था। प्रकोप से कई बाग नष्ट भी हुए थे, जिसके कारण उत्पादन में भारी गिरावट भी देखी जा रही है। पिछले महीने रजनीगंधा की कीमत 50 से 60 रुपये किलो थी, लेकिन अब ये सीधे 110 रुपये किलो यानी दोगुने दामों में बिक रहा है। तो वहीं गेंदे का फूल 150 रुपये हुआ करता था, जो कि अब 200 रुपये किलो हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।